हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि आज के वीडियो किस टॉपिक के होने वाला है। सो टुडे आई विल डू ए वाइट फूड चैलेंज, दैट मीन्स कि टुडे आई विल ईट ओनली वाइट फूड फॉर 24 आवर्स। तो ये जो चैलेंज वीडियो है कलर की, तो ये फूड चैलेंज मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, तो मैं भी चाहती थी कि मैं ये चैलेंज करूँ, क्योंकि उन लोगों का वीडियो मैंने बहुत इन्जॉय किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची थी कि मैं ये चैलेंज करके देखूँ कैसा लगता है। सो आज का वीडियो यही टॉपिक पे होने वाला है कि मैं आज पूरा दिन वाइट फूड जो है वाइट कलर के जो फूड आता है मैं सब वाइट ही खाऊंगी। और वाइट फूड खाने के लिए मैंने आज पहन लिया है वाइट कलर की फ्रॉक। तो चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेकफास्ट के। तो अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इतने सुबह मैं कोई भारी ब्रेकफास्ट मतलब भारी खाना नहीं खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल घर पर जो वाइट कलर के खाने लायक ब्रेकफास्ट में होता है वो कुछ नहीं है, बस ये आलमंड है और ये भी वाइट कलर के ही होता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये खाने वाली हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो इसलिए मैंने सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी सा लेके आ चुकी। वाइट ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या है, ये बनाना मिल्क शेक और पॉपकॉर्न। तो अभी इसे जल्दी ख़त्म करना है। तो लंच के लिए मैं आज प्रिपेयर कर रही हूँ स्टीम एग, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज कटे हुए ले लिया है ग्राइंडर में, और साथ में मैंने लिया है 4-5 हरी मिर्च। मैं हम लोग ज़्यादा तीखा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है इसी पॉपी सीड्स और मस्टर्ड सीड्स को एक साथ मैंने भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। अभी इसे एक साथ ग्राइंड कर लेना है मिर्ची और प्याज के साथ, एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और फिर मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए अंडे ले लिया है, जिसके अंदर मैंने 1 टमाटर काट के डाल दिया है, और साथ में मैंने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 हरी मिर्च, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा चीनी। और साथ ही मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल दूँगी, और सरसों का तेल डाल के मैं इस सबको अच्छे से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद ढक के इसे स्टीम के लिए रख दूँगी कुकर पे। और देखिए गाइस, हमारा जो स्टीम एग है वो अच्छे से बनकर तैयार है। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग और स्वादिष्ट लग रहा है ना। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं, और बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये स्टीम एग की रेसिपी कैसे बनी है। तो लंच में मैंने आज लिया है वाइट राइस, और साथ में मैंने लिया है रायता और ये स्टीम एग, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है एक रसगुल्ला। और अभी जो ये खाना खाने के बाद जाएगा ये पेट में रसगुल्ला। सो गाइज, मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ इवनिंग स्नैक्स लेके, और इवनिंग स्नैक्स में आज है मेरे साथ ये छोटा छोटा सा बैट जो कि वाइट कलर का है, और ये क्या है मुझे पता नहीं, छोटा पापड़ है ये, और साथ में है मेरा ठंडा ठंडा शरबत जो कि वाइट कलर का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब खाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसे सब कुछ ख़त्म करने के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए इस ब्लॉग। डिनर के लिए मैंने आज यहाँ पे लिया है रोटी और दूध। रोटी को मैंने दूध में अच्छे से भिगो लिया है ताकि खाने में थोड़ी अच्छी लगे मीठी मीठी। तो चलिए डिनर शुरू करते हैं।
गाइस आज का जो ये वीडियो है और ये चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है। अभी बचे हैं रात के 11, तो मैं अपना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो भी है आज पूरा दिन मैंने वेट किया है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा और इन्जॉयफुल हुआ। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।